गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो है हम नया चैप्टर एक नए टॉपिक के साथ बहुत इजी एंड इम्पोर्टेंट सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या शुरू करते हैं? सीक्वेंस एंड सीरीज। इट इज इजी इन द एग्जाम। वी हैव गॉट टू और थ्री क्वेश्चन ऑन दिस सिलेबस, तो दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। फर्स्ट वी हैव स्टडी द सीक्वेंस। सीक्वेंस सीक्वेंस इज ए ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। लिस्ट है ऑब्जेक्ट की, वो भी नंबर भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं। सीक्वेंस इज क्या है? सीक्वेंस इज ए ऑर्डर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑर्डर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। सीक्वेंस इज ए ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कोई नंबर भी हो सकते हैं, ये कोई लेटर भी हो सकते हैं। जैसे कोई, या कोई नंबर, सिंबल और लेटर, ये हो सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नंबर भी हो सकते हैं, सीक्वेंस और ये लेटर भी हो सकते हैं। सीक्वेंस हैव टू टाइप। सीक्वेंस हैव टू टाइप। फर्स्ट इज फाइनाइट सीक्वेंस, सेकेंड इज इनफाइनाइट। इस फर्स्ट इज फाइनाइट सीक्वेंस, सेकेंड इज इफ देयर आर फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म दैट इज कॉल्ड टू द फाइनाइट सीक्वेंस इज, इफ देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ देयर इज कॉल्ड टू द दैट फर्स्ट इज अरे फर्स्ट फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर इव टू द फाइनाइट सीक्वेंस, इव टू द फाइनाइट सीक्वेंस। एंड ऑड नंबर, एंड ऑड नंबर आर इनफाइनाइट। क्या है? यह ऑड नंबर। दैट इज कॉल्ड टू द फाइनाइट सीक्वेंस है नंबर ऑफ टर्म इज फाइनाइट सीरीज। एक होता है सीरीज, इफ वी एड और सब्ट्रैक्ट इन एनी सीक्वेंस देन वी गेट टू द सीरीज, देन वी गेट टू द सीरीज। बाई एडिंग और बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग इन एनी सीक्वेंस, इन बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग इन एनी सीक्वेंस देयरफॉर वी गेट सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू ए एन इज ए सीक्वेंस, इज ए सीक्वेंस। वाई ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू ए एन इज अ सीरीज। यानी ए वन ए टू ए एन जो है सीक्वेंस है, और ए वन ए टू अप टू ए एन ये क्या कहलाएगी? सीरीज कहलाएगी। अब है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन क्या होता है? दो सीक्वेंस, दो सीक्वेंस फॉलो
दो सीक्वेंस फॉलो, वो सीक्वेंस जो फॉलो करती है एक पैटर्न, दो फॉलो इस तरह पैटर्न, दो सीक्वेंस फॉलो अ पैटर्न, इक्वल टू द प्रोग्रेशन ऑफ प्रोग्रेशन, दैट मीन्स सीक्वेंस सीक्वेंस इज ऑर्डर ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी एक लिस्ट है ऑब्जेक्ट की, दैट इज कॉल्ड टू द सीक्वेंस। ये जस्ट कौन से हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं और लेटर हो सकते हैं। सीक्वेंस है टू टाइप, फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट। इफ द नंबर ऑफ टर्म इज फाइनाइट, जस्ट फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर इज कॉल्ड टू द फाइनाइट सीक्वेंस। इफ देर आर इनफाइनाइट ऑफ टर्म्स, दैट इज ऑड नंबर ऑफ ऑल ऑड नंबर, दैट इज कॉल्ड टू द इनफाइनाइट सीक्वेंस। इफ सीरीज बाई एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग इन एनी सीक्वेंस में कोई भी नंबर एड कर दो या सब्सट्रैक्ट कर दो इन्हें, तो क्या करता है, दैट इज कॉल्ड सीरीज। फॉर एग्जाम्पल A1, A2, A2, AN is called a sequence, is a sequence, while A1 plus A2 up to 3N is a series. अगर A1, A2, A3, AN एक sequence है, तो A1 plus A2, A3, AN is a क्या कहलाएगी, है सीरीज कहलाएगी, क्या कहलाएगी, है सीरीज कहलाएगी। ये है प्रोग्रेशन। अगर ये अगर कोई सीक्वेंस एक सर्टेन फॉलो इस सर्टेन पैटर्न, कोई खास पैटर्न फॉलो करे, दैट इज कॉल्ड टू ए प्रोग्रेशन, दैट इज कॉल्ड टू ए प्रोग्रेशन। और अगर मान लिया ये कोई चीज है, जैसे लेट पी एन बराबर, पी एन बराबर ये है कोई सवाल, 3 + 1 - n की पावर n अपॉन 3 पावर n एंड when n is equal to 1, 2, 3, 4 and n is equal to 1, 2, 3, 4। जैसे ये कोई है, इसकी सीक्वेंस क्या आ जाएगी, इसकी सीक्वेंस क्या आ जाएगी, तो n is equal to क्या रखेंगे, 1, for n is equal to 1, for n is equal to 1 क्या आ जाएगा, 3 + -1 की पावर 1 अपॉन 3 की पावर 1, 3 - 1 अपॉन 3 इक्वल टू क्या आ गया, 2/3, क्या आ गया, 2/3। और अगर n इज इक्वल टू 2,
ये सीधी आ जाएगी, ठीक है, 2/27 आ जाएगी। अगर कहीं टी एन निकालना हो मुझे, ये इस्तेमाल कर सकते हैं, टी एन इक्वल टू एफ एन माइनस से एफ एन माइनस वन, ये भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई आ गई, ये इसकी सिक्वेंस आ गई, क्या सिक्वेंस आ गई है, 2/3, 4/9, क्या है, 2/3, 4/9, 2/7, 27, 3 9 9 27, क्या 18, ठीक है, 2 4 2 4, दैट इज वी गेट सच दैट टाइप सीक्वेंस। इफ वी हैव गिवन द जनरल टर्म देन वी हैव सोल्ड पुट द वैल्यू फॉर एन, वी हैव डिफरेंट टाइप डिफरेंट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। If a n is equal to a n plus 1 is equal to 1 upon 1 minus a n, 1 upon 1 minus a n, for n is equal to them 1, for n is greater than 1, and a 3 is equal to a 1. And a3 is equal to a1, then find the value of देखो भाई, गिवन है क्या, an प्लस 1 a3 इक्वल टू a1, देन फाइंड द वैल्यू a2001 a2000 टू पावर 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या गिवन है, सर देखो an प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस an है, अब इसमें अगर a2 an इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 रखा, तो a2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस a1, आ गई बात में, और a3 क्या आ गया, n is equal to 2, 1 upon 1 minus a 2, इसकी वैल्यू रख दूंगा a 2 की, a 2 minus 1 क्या है, 1 minus a 2, a 2 upon 1 minus ए वन अपॉन क्या गया,
वन माइनस ए वन अपॉन ए वन क्या आ गया, वन माइनस ए वन अपॉन ए वन. इट मीन्स ए थ्री, बट गिविन दैट ए थ्री इज इक्वल टू ए वन, गिविन दैट क्या दे रखा है, वन माइनस ए थ्री इज इक्वल टू ए वन. ए थ्री की वैल्यू क्या आ गई, वन माइनस ए वन अपॉन माइनस ए वन इज इक्वल टू ए वन, क्या आ गया है, वन माइनस ए वन इज इक्वल टू माइनस ए वन का स्क्वायर, क्या आ गया, ए वन का स्क्वायर माइनस ए वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, क्या आ गया, ए वन का स्क्वायर ये यूनिट आ गई, तो ए वन इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा और माइनस ओमेगा का स्क्वायर. एक वैल्यू यहाँ से ए वन की आ गई, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, वेयर इज, वेयर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ द यूनिट. इसके ये पढ़े थे, ये इसके रूट होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इट इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिट. इसी तरह से अगर मैं ए फाइव निकाल लू यहां से, ए फाइव क्या आ जाएगा यहां से, ए फाइव इक्वल टू वन माइनस ए फोर, वन अपॉन वन माइनस ए फोर आ गए, ए फाइव की वैल्यू आ गई वन माइनस ए फोर, और ए फोर की वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन वन माइनस ए थ्री, ये क्या आ गया, वन माइनस ए थ्री अपॉन माइनस के ए थ्री, यह जगह इस तरह माइनस के ए थ्री. और इसकी वैल्यू क्या आ गई, फिर इसकी वैल्यू क्या आ गई है, वन माइनस ए वन अपॉन ए वन, क्योंकि गिवन है ए थ्री की वैल्यू क्या आ गई, ए वन आ गई, सेम आ गई, सो दैट वी हैव, दिस वी हैव ए वन इक्वल टू ए थ्री इक्वल टू ए फाइव इक्वल टू अप टू ए टू थाउजेंड वन, ए की वैल्यू वन या ए की वैल्यू वन थ्री फाइव अप टू टू थाउजेंड वन आ गई. तो ए की वैल्यू कितनी है, अब गिवन है ए की वैल्यू 2001 अपॉन 2001, ये अगर ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है, मान लिया ए की वैल्यू क्या निकालनी है, माइनस ये क्या आएगा, या तो ये तो ये होगी माइनस ओमेगा की पावर 2001, या क्या होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर, या तो ये होगी या ये होगी माइनस इसकी वैल्यू है क्या होगी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगी, वन माइनस वन क्या आ जाएगी, माइनस वन, ये है ना ओमेगा क्यूब, तीन छह अठारह, तीन छह अठारह इधर तक ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन हो तो क्या आ जाएगी माइनस वन, क्या आ जाएगी माइनस वन, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा की पावर ये तो आ गई ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2000 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के वन आ गई. अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा ये वाली, इसे लिख सकता हूं मैं, इक्वल टू वन, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू वन, इक्वल टू क्या आ गया वन,
यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी वैसे, तो माइनस वन की पावर 2001 आएगी, नहीं इस तरह भी इसकी आ जाएगी माइनस क्यू वन, इसकी वन, तो इसकी आ गई माइनस वन और इसकी आ गई वन, इसकी आ गई वन और माइनस वन। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के वन आ जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी माइनस वन। इन सब की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो इसकी वैल्यू हम क्या निकाल देते हैं, माइनस वन आ जाती है। आगे तुम नेक्स्ट है, एटी एटी मीन्स अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इफ इन एनी सीक्वेंस वी एड और सबट्रैक्ट एनी टर्म देन वी कॉल्ड देन वी गेट टू द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इफ वी इन द सीक्वेंस वी If any sequence, we add or subtract to any number, to any fixed number that is called to the arithmetic mean. If fixed number is called, then fifth number is called कॉमन डिफरेंस डी, डी इज द कॉमन डिफरेंस। इफ द फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी एंड फर्स्ट टर्म इज ए, देन एपी इज इक्वल टू, देन एपी इज इक्वल टू ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी एंड सो ऑन, दैट इज कॉल्ड टू द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज कॉल्ड टू द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वेयर बी इज इक्वल टू ए एन माइनस वन, वेयर बी इज इक्वल टू ए एन माइनस के और एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, एन इज द नंबर ऑफ टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, एन इज टू याद यानी द एन टर्म ऑफ एन सीरीज क्या गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन एथ टर्म फ्रॉम एंड,
ये तो गैस है स्टार्टिंग से, स्टार्ट ए इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, एन एच टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड क्या आ जाएगा ये, एन एच टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड क्या आएगा ये, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, या एन एच टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, एल एच ये एल एच एनएफ टर्म फ्रॉम द एंड क्या है, एनएफ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग क्या आ गया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एनएफ टर्म फ्रॉम द एंड एल माइनस वन इंटू डी, वेयर एल इज द लास्ट टर्म, हियर ए इज द फर्स्ट टर्म, एन इज द नंबर ऑफ टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, हियर एल इज, हियर एल इज द लास्ट टर्म, देखो भाई अभी क्या पढ़ाया मैंने, यह पढ़ाया भी मैंने, क्या पढ़ाया, टी एन इज इक्वल टू एफ एन माइनस के एफ माइनस एन, तो बी इक्वल टू क्या जा सकता है, बी इक्वल टू क्या होता है, एफ एन माइनस, एफ एन माइनस डी इक्वल टू एफ एन माइनस टू एफ एन माइनस वन माइनस प्लस एफ एन माइनस टू, ये आ जाएगा डी इज इक्वल टू एफ एन माइनस टू एफ एन माइनस वन माइनस टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू, ये भी लिख सकते हैं, ये आता कहां से है, देखो डी इज इक्वल टू क्या आता है, डी इज इक्वल टू फॉर्म होता है टी एन माइनस टू टी एन माइनस वन, यानी कि लास्ट टर्म में से सेकंड लास्ट टर्म बता दो क्या आता है, टी एन क्या आता है, डी आता है, तो टी एन की वैल्यू यहां से रख दूंगा, क्या आ जाएगा ये एफ एन माइनस वन माइनस एफ एन माइनस वन टी एफ एन माइनस वन क्या आ जाएगी एफ एन माइनस वन माइनस एफ एन माइनस टू, ये क्या आ जाएगा एफ एन माइनस टू एफ एन माइनस वन एफ एन माइनस टू, ये क्या एफ एन माइनस टू एफ एन माइनस वन टू एफ माइनस टू, ये आ गया, अब देखो क्वेश्चन करते हैं नया, इसमें क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे वो दैट ऑफ सिक्वेंस लोग ए लोग ए बी show that sequence, क्या sequence है, log a b ये है कोई सीक्वेंस है, ये इस तरह की है आर इन ए पी आर इन ए पी आर इन सो दैट अ सीक्वेंस इज आर इन ए पी एंड फाइंड एन एच टर्म, इसकी एन एच टर्म भी निकालनी है,
एक कोई सीक्वेंस है इसकी, शो दैट ये कोई सीक्वेंस है इसकी, ये दिखाना है कि ये जो है ए पी में है, और जो है इसकी जो है एनाटॉमी भी निकालनी है। जैसे अच्छा, अगर कोई सीरीज, अगर कोई ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, अगर कोई सीक्वेंस एपी में है, तो यार उसको किससे देखते हैं, तो उनका कॉमन डिफरेंस डी क्या होना चाहिए, इक्वल डी मतलब द डिफरेंस बिटवीन टू कंजेटिव टर्म्स, यानी कि इसमें से टी टू माइनस टी वन या टी थ्री माइनस टी टू या टी फोर माइनस टी थ्री एंड सो ऑन विल बी टू द सेम। फॉर एग्जाम्पल वी हैव लॉग ए बी माइनस के लॉग ए, यानी टी टू माइनस टी वन, लॉग एम माइनस लॉग, ये आ गया, ये क्या आ गया, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग एम इंटू लॉग एम, लॉग एम प्लस लॉग एन माइनस लॉग ए, ये लॉग ए से लॉग ए जाएगा, तो क्या आ गया लॉग बी, क्या आ गया लॉग बी। सिमिलरली हेयर वी कैन सी लॉग ए बी क्यूब माइनस लॉग ए बी, लॉग एम इंटू लॉग एन, क्या लॉग एम एन, लॉग ए प्लस लॉग बी क्यूब माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी का स्क्वायर, इस लॉग ए से ये लॉग ए हो गया, ये क्या गया एम लॉग एम की पावर एन, एन लॉग एम, थ्री लॉग बी माइनस टू लॉग बी इक्वल टू लॉग बी। हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम दैट द गिवन द गिवन सीक्वेंस या गिवन गिवन वी आर इन द एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ गई। अब निकालनी है कि फाइंड द एनथ टर्म, फाइंड द एनथ टर्म, फाइंड द एनथ टर्म क्या आ जाएगा, ए एन, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, ए की वैल्यू क्या आ गई लोग ए, ए की वैल्यू क्या आ गई लोग ए प्लस एन माइनस वन इंटू लोग बी, ये क्या आ गया एन लोग ए प्लस एन माइनस वन इंटू लोग बी, क्या गया लॉग ए प्लस एन लॉग बी माइनस के लॉग बी, लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या जाएगा यो एम लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन प्लस एन लॉग बी, क्या गया लॉग ए अपॉन बी मल्टीप्लाई लॉग बी की पावर एन, लॉग एम इंटू एन, क्या गया लॉग एम एन, लॉग ए अपॉन बी इंटू बी की पावर एन, ये बी पर आ गया, क्या गया लॉग ए बी की पावर एन माइनस वन, ये आ गया लॉग ए बी की पावर एन माइनस वन आ गया। लॉग ए लॉग बी लॉग ए बी स्क्वायर लॉग ए बी की पावर फोर, ये आ गया आर इन एफ, ये आ गया तो लॉग ए भी क्या आ गया लॉग ए प्लस, इन दोनों का डिफरेंस निकाल ले पहले ये देखने के लिए कि ये ए पी में है नहीं है, डी इक्वल आ गया, फिर एन एच टर्म का ये फॉर्मूला आ गया, सोल्व कर दिया, ये आ गया लॉग इन मल्टीप्लाई करके लॉग एम माइनस एन लॉग एम अपॉन एन, फिर इसकी लॉग एम लॉग एन, ये लॉग एम की पावर एन, ये आ गया फिर लॉग एम इंटू एन लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम एन, ये आ गया, ये आ गया लॉग बी की पावर एन माइनस वन, आंसर आ गया भाई।
जदे खिरी रहे एक कुछ ए पी रे रखी है इसमें ही है फाइंड द विच इज द न्यूमेरिकली विच इज द न्यूमेरिकली विच इज द न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट विच इज द एक कोई गिवन सीरीज है इसमें पता है विच इज द न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट तो इसमें ए इक्वल टू कितना आ गया 24 डी इक्वल टू कितना आ गया 24 का 88 प्लस 3 डी इक्वल टू -9/4 और यहां से पी एन क्या आ जाएगा इसका ए की वैल्यू कितनी है 109 एन 109 -9n/4 आ गया 109n -9n/4 आ गया तो मतलब लिस्ट के लिए ये जो है नेगेटिव होना चाहिए विल बी नेगेटिव कब नेगेटिव हो गए 109/4 -9n/4 इज लेस देन 0 क्या आना चाहिए ये सारा क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए ये से अरे नीचे आए तो क्या 109 -9n इज लेस देन 0 -9n इज इक्वल टू -109 9n इज इक्वल टू 109 n इक्वल टू 109/9 बारह नंबर 9 से 109 को डिवाइड करके क्या आ गया 12 कितना आ गया तो जो n की वैल्यू होगी n की वैल्यू होगी 12 ही आ गया तो n इज ग्रेटर देन 12 एंड 12 हाफ 12 वन बाई यानी 12 से थोड़ी सी 12 से जब भी थोड़ी सी बड़ी होगी n की वैल्यू जो जो है नेगेटिव आ जाएगी n की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो 12 से अगली कौन सी वैल्यू होगी 12 से अगली वैल्यू होगी 13 तो दैट दैट इज 13 विल बी द फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू क्या है टी 13 लिखेंगे टी 13 विल बी द फर्स्ट नेगेटिव फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू और फर्स्ट नेगेटिव थी 30 की वैल्यू क्या होगी ए प्लस 13 -1 इंटू डी ए की वैल्यू क्या है ए की वैल्यू 20 है 25 है प्लस 12 इंटू डी 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 की वैल्यू कितनी है भैया ये निकाल ली गई थी -9/4 माइनस के 9/2 क्या आ गया 100 -108/4 यानी -8/4 इज इक्वल टू -2 तो डी की वैल्यू क्या आ गई -2 तो इसकी वैल्यू 2 होगी
स्मॉलेस्ट पॉजिटिव तो ये होगी। अगर मान लीजिए ए ट्वेल्व की वैल्यू इनहेरिट से ए ट्वेल्व क्या होगी, हम देखें ए ट्वेल्व की क्या होगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। ए की वैल्यू कितनी है 25, एन की वैल्यू कितनी है 12, बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 9/4। ये आ गया 25 प्लस 11 माइनस 9/4 100 माइनस 99/4 ये आ गई। देखो भाई यानी ए ट्वेल्व की वैल्यू कितनी आ गई 104। ए ट्वेल्व कहते या टी थर्टीन कहते एक ही बात है, या इस तरह ही ए थर्टीन की कह दो या ए इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस टू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस टू। यानी फर्स्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विल बी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विल बी ये होगा फर्स्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, और जो है जो नेगेटिव नंबर है ये कितना होगा माइनस ये होगा लास्ट ये होगा, वो जो फर्स्ट यूनिटरी है ये 13 - 2 - 2 r6। ठीक है भाई, लेकिन इफ ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन आर मैट्रिक प्रोग्रेशन वेयर ए वन ए वन ए टू ए एन आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वेयर ए आई इज इक्वल टू जीरो where a i is equal to 0 for all i, for all i, then prove that 1 upon root a ये कहेंगे कौन हो जाएगा ये एन माइनस वन जाएगा एन माइनस वन अपॉन ए वन प्लस के ए एन। देखो लेट अगर ये ए वन एट देखो क्वेश्चन है ये गिवन है, अगर ये ए पी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस भी जो है द कंजर्वेटिव टर्म बिटवीन टू कॉमन डिफरेंस डी विल बी इक्वल टू डी इक्वल टू क्या जाएगा एंड ये इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा
कॉमन डिफरेंस, तो ये क्या आएगा, वन अपॉन, ये आ जाता है वन अपॉन ए वन प्लस वन अपॉन ए टू, वन अपॉन ए वन प्लस के वन अपॉन ए टू। अब क्या है, ये टर्म्स है मान लीजिए भाजी, अब इसको क्या कर दूंगा, इसके रैशनलाइज कर दूंगा इसको, ये क्या आएगा, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू क्या जाएगा, ये जाएगा डी, ये क्या जाएगा, ये माइनस डी आ जाएगा, क्या जाएगा माइनस के डी। सिमिलरली अगर ये इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकाल लिया है, वन अपॉन ए टू प्लस ए थ्री, क्या है वन अपॉन रूट ए टू प्लस ए थ्री, अगर इसकी भी वैल्यू निकालनी है तो क्या जाएगा, वी हैव ये भी डी आ जाएगा, और इसी तरह से इस तरह की सबकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, इस तरह की हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इन सबकी वैल्यू का मैं लिख देता हूं, इसमें भी इसकी भी इसकी भी इसकी भी, तो वी है सीरीज क्या आ जाएगा, ये रूट ए वन माइनस ए टू अपॉन माइनस डी प्लस ए टू माइनस देखो क्या जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये खाली ए वन, क्या खाली बचेगा, ए वन माइनस ए एन माइनस के ए वन, क्या बचेगा खाली ए एन, ये डी एन क्या आएगा, ये डी बचेगा क्या आएगा माइनस क्या जाएगा रूट ए एन अपॉन ए वन माइनस के डी बचेगा, इसको फिर रैशनलाइज कर दिया मैंने, इसको रैशनलाइज करके क्या आ जाएगा, रूट ए एन प्लस ए वन क्या आ गया, ये ए एन माइनस के ए वन अपॉन ए एन प्लस के ए एन, ए एन की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए वन की वैल्यू ए है अपॉन इससे जाएगा एन माइनस वन अपॉन ए एन प्लस के ए वन,
देखो भाई क्या है ये, देखो एक प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ टर्म्स एपी, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पहली क्या प्रॉपर्टी है, इफ प्रॉपर्टीज ऑफ एनएपी, प्रॉपर्टीज ऑफ एनएपी क्या है, इफ ए बी सी आर इन एपी देन बी माइनस ए वी नो बी माइनस ए इज इक्वल टू, इफ इम्प्लाइज दैट इधर आ गया टू वी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये वी हैव सेव बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, द मिडिल टर्म इज द इक्वल, मिडिल टर्म इज इक्वल टू द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म द सम एंड देयर हाफ, यानी बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, यानी बी इज द, बी इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए सी, बी इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए सी, यानी बी इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन of a b c, b is called the arithmetic mean of a b c, if we have a second number, if we have a series, if we have a series, if we adding or if we adding or subtracting from any number, if we adding or subtracting, or we had if we add, ये क्या, if we add added कर दो और क्या कर दो subtracted, if we added or subtracted by a fixed number, by a fixed number then no change of the their common difference, no change of the common difference and the resulting series will be also the AP, if we added or subtracted by a fixed number the result AP will be AP and common difference no change, common difference is no change, no change, तीसरा if we multiple या or divided by any constant number, by if we divided or multiple by any constant number, if we divided or multiply by any constant number, then result series is also in AP. Then result series will be also in AP. It means their number will be non-zero. So divide करना है, number will be non-zero. If we added or sub or divided by a non-zero multiple, then the result will be, जो result series है, will be इन एपी में होगी, रीवी थ्री वी जो क्या होगी एपी में होगी, अगर मान लिया ये कोई सीरीज है ए वन ए टू, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू एन, एक और ये दो सीरीज है, ये एक है बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री प्लस बी फोर अप टू बी एन, देर आर टू सीरीज ईच हैव each have in arithmetic progression, then there a1 plus minus a2 a1 plus b1 a1 plus b1
ए टू प्लस बी टू प्लस बी ए थ्री विल बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी एक जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। आगे आगे बात यहां तक के आगे बढ़ते हैं भाई। टर्म्स टेकन इन इक्वल इंटरवल्स विल बी एपी इन एपी। अगर कोई इन एपी इन कोई एपी दे रखी है टर्म इक्वल इंटरवल पे कोई टर्म्स दी जा तो जो रिजल्टेंट जो सीरीज हो रिजल्टेंट होगा तो विल बी क्या है इक्वल इंटरवल देन रिजल्टेंट विल बी एन एपी, जो इसका रिजल्टेंट होगा वो भी जो है एपी में होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया ये है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स अप टू ए एन माइनस वन आर इन एपी। अगर इनके ये टर्म्स ले लिए यहां कौन कौन से ए वन ए थ्री ए फाइव ए सेवन अप टू ए थ्री अप टू ए माइनस वन सिमिलरली ए टू ए फोर ए सिक्स ए एट अप टू एट एन विल बी इन एन एपी। ये भी एपी में होंगे, ये दोनों भी एपी होंगे, ये भी एपी में होंगे और ये भी दोनों एपी में होंगे, दोनों सीरीज एपी में होंगे अगर ये अलग अलग भी होंगे और इकट्ठे भी एपी में होंगे। अगर कोई सीरीज है देखो, अब मान लिया कोई सीरीज है ये कोई सीरीज है मान लिया ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए फोर अप टू ए एन अप टू ए माइनस वन दैट वी हैव एन एपी इट इज द वी हैव इन एपी। ये सीरीज है कोई एपी में देखिए इफ वी हैव थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ दिस एपी ऑफ द गिवन सीरीज एसी देन थ्री टर्म्स विल बी आर इन एपी। लेट मीन्स इट मीन इफ वी टर्म्स इज ए एन इज ए एन पर थ्री टर्म्स कितने लेने हैं इफ वी है इन इक्वल डिस्टेंस, थ्री टर्म्स कैसे लेने हैं
if the given in if we have a series and we have taken three terms of equal distance, that is an, एक तो मान लिया मैंने क्या ले लिया ए एन, ये ले लिया ए एन माइनस के है मेरे भाई, इसमें ले लिया एक ए एन प्लस के, इन दोनों के टर्म्स ले लिए दो टर्म, एक तो ए एन माइनस के, एक ए एन प्लस के ले लिया। देखो इनका डिफरेंस क्या है, इसका भी डिफरेंस के है और इसका भी डिफरेंस के है, तो देन विल बी टू द एपी, एपी मांगे तो क्या आएगा ए एन इक्वल टू ए एन प्लस के प्लस ए एन माइनस के अपॉन टू, ये इसके टर्म्स आ जाएंगे ए एन प्लस के प्लस ए एन माइनस के अपॉन टू। अच्छा आगे क्या है भैया, थ्री कॉन्जेक्टिव टर्म्स ऑफ एपी, थ्री कॉन्जेक्टिव टर्म्स ऑफ एपी, ए ए माइनस बी और ए प्लस बी, थ्री कॉन्जेक्टिव टर्म्स ऑफ एपी क्या आएगा, ए गलत लिख दिया भैया, होंगे तो यही लेकिन इनका ऑर्डर चेंज होगा, क्या आएगा ऑर्डर इनका, ये नहीं हमेशा यही ऑर्डर रखना है, क्या रखना है ए माइनस बी ए ए प्लस बी, थ्री कॉन्जेक्टिव टर्म्स ऑफ ए पी इक्वल टू हो गया फोर कॉन्जेक्टिव टर्म्स, फोर कॉन्जेक्टिव टर्म्स ऑफ थ्री, फोर कॉन्जेक्टिव टर्म्स ऑफ ए पी क्या आ गया ए माइनस थ्री डी ए माइनस बी ए प्लस बी और ए प्लस थ्री डी, ठीक है फोर कॉन्जेक्टिव टर्म्स ऑफ ए पी क्या आ गया ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, ये जो टर्म्स मानेंगे इसी ऑर्डर में मानेंगे, जैसे पहले मैंने ए माइनस डी फिर ए ए प्लस डी, अगर फोर टर्म्स के ए माइनस डी ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी, इनका जो ऑर्डर है वो नॉट चेंज, इनके ऑर्डर चेंज कर सकते, दैट इज ऑर्डर विल बी द सेम। आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है, द टर्म्स ए माइनस एक्स एक्स ए प्लस आर इन ए पी, ए माइनस एक्स एक्स और ए प्लस एक्स आर इन, ये तीन टर्म्स हैं, क्या हो गया फिर इन्हें क्या करना भाई, द टर्म्स रूट ए माइनस एक्स, द टर्म्स ए माइनस एक्स एक्स ए प्लस एक्स आर इन ए पी, एंड ऑल इंटीजर एंड ऑल इंटीजर ए एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इफ ए इंटीजर ए एंड एक्स आर जीरो, फाइंड द लीस्ट कंपोजिट वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द लीस्ट कंपोजिट, फाइंड द लीस्ट कंपोजिट वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द लीस्ट कंपोजिट वैल्यू ऑफ ए, अगर ये दोनों ए पी में दे रखे हैं, अगर ये दोनों क्या है यहाँ भी रूट एक्स है, अगर ये दोनों तीन रूट एक एक्स दिया है, ये क्या है ए माइनस एक्स रूट एक्स इक्वल टू टू ए प्लस एक्स, ये क्या है मैं आर इन ए पी, अगर ये ए पी में है तो क्या आ जाएगा ए पी में टू रूट एक्स टू बी इक्वल टू ए प्लस सी,
ये आ गया टू रूट प्लस ए प्लस सी। अब इसको क्या कर दूंगा मैं, दोनों से उसका स्क्वायर कर दूंगा। क्या क्या कर देता हूं मैं इसका, स्क्वायरिंग एंड स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, क्या आ गया टू रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, फोर एक्स इक्वल टू ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये ना ए बी इस एक्स से ई एक्स जाएगा, इस एक्स से ई एक्स जाएगा। ये क्या आ गया, फोर एक्स माइनस टू ए इक्वल टू टू ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अब टू से दोनों से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया टू एक्स माइनस ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के एक्स का स्क्वायर। फिर इन्होंने दोनों तरफ को फिर एक बार एडिंग कर दिया, फिर एक बार उसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग हो गए यहाँ से। ये क्या आ गया टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये क्या आ गया फोर एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस के एक्स का स्क्वायर। इस ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर जाएगा। ये क्या आ गया थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के फोर ए एक्स इक्वल टू जीरो। इन दोनों में क्या करूंगा, एक्स कॉमन ले लूंगा, थ्री एक्स माइनस फोर ए इक्वल टू जीरो। एक्स तो कभी जाए जीरो नहीं होता, क्या होगा ये ये ऐसे ज्यादा करना, तो ये कर लो यार, कट तो मुझे क्या जाएगा। फाइव एक्स स्क्वायर क्या जाएगा, ये फाइव एक्स स्क्वायर ये देखिए प्लस क्या है फाइव एक्स स्क्वायर फाइव एक्स माइनस फोर ए इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू फोर ए अपॉन फाइव। एक्स की वैल्यू क्या आ गई फोर ए अपॉन फाइव आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई फोर ए अपॉन फाइव। यानी कि अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई फोर ए अपॉन फाइव, फोर ए अपॉन फाइव। और अगर लीस्ट कंपोजिट नंबर निकालना है इसकी, अच्छा अब मान लिया एक्स इक्वल टू, अब एक्स फोर ए इक्वल टू वन, फोर ए इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू कितना आ गया फोर अपॉन फाइव। इट इज द रैशनल नंबर, इट इज द रैशनल नंबर। फोर एक्स इक्वल टू फोर ए की वैल्यू निकाल लूंगा, क्या की निकाल लूंगा ए की वैल्यू। यहाँ पे क्या आएगी ए इक्वल टू, क्या आएगी ए इक्वल टू फाइव एक्स अपॉन फोर। ए की वैल्यू क्या आएगी ए इक्वल टू फाइव एक्स अपॉन फोर, फाइव एक्स अपॉन फोर। अब एक्स की वैल्यू कितने रखूंगा, एक्स की वैल्यू फोर एक्स इक्वल टू वन, और क्या आएगा ए इक्वल टू फाइव अपॉन फोर। इट इज द रैशनल नंबर। एक्स इक्वल टू टू पे क्या आ गई इसकी वैल्यू ए इक्वल टू टेन अपॉन फोर, ए इक्वल टू टेन अपॉन
अच्छा ये स्क्वायर में, तो उसका स्क्वायर ही रखा जाएगा भाई, एक्स किसकी वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा 4। अच्छा अब जो है ए की वैल्यू 1, अब एक्स की वैल्यू कितनी रखूंगा 4, एक्स की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं 4, एक्स की वैल्यू कितनी रखूंगा, क्योंकि रूट एक्स जो है इंटीजर है, क्योंकि इधर क्या है रूट एक्स क्या है, हेयर रूट एक्स की वी ने इंटीजर, तो सो वी हैव द पुट द एक्स वैल्यू विल बी टू द परफेक्ट स्क्वायर, सो वेयर रूट एक्स इज द क्या है रूट एक्स इज द इंटीजर, तो एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 4, 4 पे क्या आ जाएगी ए इज इक्वल टू 5, 4 एक्स इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू 16 क्या आ गया, ए इज इक्वल टू 16 इंटू 5 इंटू 16, 16 मतलब एक्स इज इक्वल टू 9 रखेंगे, पहले 9 रखे देख लेंगे भैया, 5 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 4, 44 अपॉन 4, इट इज द रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, और x इक्वल टू, अब हम अगर क्या कहते हैं x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू कितना आ गया 20, इट इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर, इट इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 20 व्हेन x इक्वल टू 16, व्हेन x इक्वल टू 16, व्हेन x इक्वल टू 16 a इक्वल टू 20। देखो ये सवाल क्या था, ये सवाल क्या था, सवाल था कि ये नंबर एपी में है, देन ऑल इंटीजर एक्स इज जीरो, फाइंड द लीस्ट कंपोजिट नंबर वैल्यू ऑफ ए, ए की लीस्ट कंपोजिट नंबर निकालनी है। देखो ये नंबर जो है जब ये आर इन एपी में है तो इसका क्या आएगा, यानी टू रूट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, इनका स्क्वायर करके आ गया, अगेन स्क्वायर करा फिर ये आ गया 5x-4 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 5x/4, जब ए इज इक्वल टू 5x/4 है ये, तो एक जो मैं एक्स की वैल्यू यहां पर रखता चलूंगा, तो एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, क्योंकि रूट एक्स इंटीजर है तो एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, परफेक्ट स्क्वायर रखूंगा, ये एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 15, एक्स इक्वल टू 25 ये रखना चलूंगा, जिससे एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पे क्या आ गई 5/4, इट इज ए रैशनल नंबर, एक्स इक्वल टू 4 पे क्या आ गई 5/4, ये भी रैशनल नंबर, एक्स इक्वल टू 16 पे या क्या आ गया 20, इट विल बी टू द ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर, तो सैंड हैंड लीस्ट कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 16, ए इक्वल टू 60 है। जैसे ये क्वेश्चन है छोटा सा लगाते हैं, गिवन है क्या, यदि इफ ए प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी, आर इन ए पी, आर इन ए पी, प्रूव दैट वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी विल बी इन ए पी, प्रूव दैट वन अपॉन ए वन अपॉन बी सी, प्रूव क्या करना है, वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी विल बी ए पी, अगर ये ए पी में होंगे क्या कर सकता हूं, इनमें दोनों में दो ऐड कर लिया, क्या कर लिया दोनों में दो ऐड कर लिया, ये प्रॉपर्टी थी इफ वी एड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर बिटवीन दैम देर नो रिजल्टेंट चेंज इन ए सी, ए आ गया इसके टू के टू ए माइनस ए क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए, ये भी ए पी होंगे, आर इन ए पी, अगर फिर इनका एड करके क्या आ गया, फिर इनका क्या आ गया, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, ये क्या आ गया आर इन ए पी। फिर एक बार प्रॉपर्टी बताई थी मैंने भी, अगर इफ वी डिवाइड और सबट्रैक्ट डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय एनी फिक्स्ड नंबर,
इज नॉन जीरो फिक्स नंबर देन नो चेंज इन एपी जो डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या ए तो वी है वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी आर इन ए बी एंड विच इज रिक्वायर्ड विच इज रिक्वायर्ड प्रोग्रेशन विच इज रिक्वायर्ड प्रोग्रेशन इफ देर आर थ्री टर्म्स हैं ये एपी में दे रखी है क्या में दे रखी है एपी में दे रखी है तो प्रूव करना है कि ये है तो इनमें क्या कर दिया पहले दो जोड़ दिया एंड कोई चेंज नहीं हुआ फिर ये आई आ गया फिर से डिवाइड कर दिया ए प्लस बी प्लस सी से क्या वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी विल बी टू द इन एपी हैंस दैट इज आंसर ये भी एपी में होंगे आगे देखते हैं नया क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन लगाते हैं क्या है थक गए हो और नहीं पढ़ते चलो ठीक है अच्छा आज के लिए इतना ही है थैंक्स ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टर्न पे फिर मिलते हैं।